हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को इस कैमरा को सेटअप करने में इतना दिमाग ख़राब हुआ है, क्योंकि मेरे पास वो सेटअप करने का है नहीं, समझ रहे हो? वो डंडा जैसा नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। दो ईंटें और एक उसके नहीं, मतलब तीन ईंटें टोटली यूज़ करके मैंने इसको स्टार्ट किया है, और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यार, पता नहीं मैं कब लूँगी, पर छोड़ो, जब भी लूँगी। तो आज है क्रिसमस, अब मुझे प्लीज़ डांटना मत, क्योंकि ये ब्लॉग लेट आएगा। डांटोगे तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। मेरी मर्ज़ी है, ब्लॉग तो ऐसे भी मैं ही अपलोड करूँगी, किसी को कोई मतलब भी नहीं है कि मैं जब भी अपलोड करूँ। तो जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है, काश तुम्हें मतलब होता, काश तुम लिखते कि वेटिंग फॉर द न्यू ब्लॉग लीव। मैं अभी कौन सा किसी के ब्लॉग का वेट करती हूँ। पॉइंट ये है कि आज मैं सिर्फ बात करूँगी, कुछ अरे परे नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगी किनके बारे में, जो मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरे दोस्त। आज मैं दोस्तों के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे दोस्तों की जर्नी मैं पूरी तुम्हारे को बताऊंगी, एकदम विस्तार से और ढंग से। डिटेल्ड मैं तो नहीं बताऊंगी, तब तो एक घंटे का भी जा सकता है, दो घंटे का भी जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो हाँ, शुरू करता है कि कैसे कैसे मेरे दोस्त रहे हैं और कैसे कैसे अब है, मतलब ठीक है। तो मैं नाम सबसे पहले, तो मैं किसी का भी नाम लूँगी, किसी का भी नहीं होंगी, ठीक है? मतलब चाहे वो मेरे अच्छे से अच्छा दोस्त है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो अगर मैं किसी का नाम भूल गई तो उसको बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैं भूलूंगी तो नहीं, पर मेरे को याद नहीं आता तो भूलना ही बोलते उसको तो मैं नहीं किसी का नाम लूँगी, ठीक है? तो तुम लोगों के लिए ये समझ रहे हो ना जब तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारी बात कर रही हूँ, ठीक है? तुम सब मेरे दोस्त ही हो। एक और चीज़ बतानी थी कि मेरे को ढंग से बताना नहीं आता, तुम्हारे को पता ही है मैं कितना ही बता लेती हूँ व्लॉग में भी, तो मेरे को ऐसी बातें नहीं आती है करनी, चुपड़ी चुपड़ी सी, और कि मतलब मिर्च मसाला डाल के, समझ रहे हो ना तुम? ऐसी ही हूँ मैं रियल लाइफ में भी, और मैं इन इसमें भी यूट्यूब पे भी, मतलब जैसे कहते हैं ना यूट्यूबर्स, और कोई भी मतलब कि ढंग से बोलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा या ऐसे मैं नहीं कर सकती। मतलब मुझे एक तो पहले बात जो मेरे दिल में है ना, वो मेरे को बोलना नहीं आता, ठीक है? मतलब मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे को ये जताना नहीं आता। वैसे तुम्हें पता है मैं जता लेती हूँ, बट हाँ कभी होता है ना कि कुछ तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुम्हारे को ना मतलब बोल देते हैं कि हाँ तू ऐसी है, तू मतलब अच्छी है, मतलब एक वे में ना कि तू फनी है यार, तू कितनी अच्छी है, मतलब मेरे से ना ये चीज़ें ना बोली नहीं जाती। मैं बहुत रेयर होता है, मैंने बहुत रेयर ही लोगों को बोला हुआ कि तू कितनी अच्छी है, मतलब मेरे को अच्छी लगती है वो दिल से, पर मेरे से बोला नहीं जाता। दोस्तों के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? हाँ, मतलब मैं ऐसी नहीं थी। तो हाँ, लेट्स टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, ठीक है? तो जब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, मतलब नर्सरी के जी, तो मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, मैं पढ़ी हूँ कुपवी से, मैंने नर्सरी के जी वहाँ से किया है, ठीक है? तो वहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो वहाँ मेरी बहन थी मेरे साथ, आभा, तो हम दोनों ने साथ में पढ़े हम दोनों, ठीक है? हमने नर्सरी के जी साथ में किया, और उसके बाद हम सोचते थे कि हम सारा मतलब स्टार्टिंग हम साथ में ही पढ़ेंगे, मतलब बड़े होने तक, अभी तक हम साथ में पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद आई फर्स्ट में मुझे नहीं याद कि मेरे कौन दोस्त थे, पर थे, ठीक है? पर मुझे याद नहीं कि कौन कौन थे वो, बस मुझे मेरी क्लास दिख लिया, और एक दो मेरे को सिर्फ दो लोगों की शक्ल याद है, मोटे मोटे बच्चे थे मेरी क्लास में दो, और उनको ना मैम ने सीआर बनाया था, इतने मोटे मोटे थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे, कुछ ओवर ही मोटे थे, और वो बहुत गंदे से थे, मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि उनमें बहुत एटीट्यूड था और वो बहुत रूड से रहते थे बच्चे, तो मैं उनके मुंह नहीं लगती थी। हाँ, मेरा एक फ्रेंड था शुभम, पता नहीं, हाँ मैं नाम ले रही हूँ, मैंने पहले बोला था नाम नहीं लूँगी, पर मैं ले लेती हूँ नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके नाम लूँगी, ठीक है? अगर किसी का भूल रहा हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, बट मैं हाँ हिसाब की लूँगी ज़्यादा। तो वही मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा था, हाँ हम दोनों थे, ठीक है, फर्स्ट में वो था। तो उसके बाद आ गई मैं शिमला, और फर्स्ट में मैं नाहन में थी, ठीक है, एवियन स्कूल। तो उसके बाद मैं आई शिमला में, हाँ तो शिमला में गई जब मैं सेकेंड से लेकर फिफ्थ तक, मैं अंकुर डे स्कूल में थी, अब वो स्कूल बंद हो चुका है, पर मैं हाँ वहाँ पढ़ती थी। तो वहाँ भी जेन्युइन बताऊँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मेरी एक दोस्त बनी थी वहाँ पे, ठीक है, मतलब हम काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं, उसका भी नाम नहीं लूँगी, ठीक है? और एक थी और भी, वो भी मेरी अच्छी दोस्त थी, ठीक है, चलो एक का नाम टीना रखते, एक का नाम मीना रखते। तो हाँ, जो टीना थी ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम दोनों ना
घर साथ जाते थे, ठीक है, हमारे घर थोड़े से क्लोज ही थे, तो फोर्थ फिफ्थ में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते थे, ठीक है, मतलब मैं उसके घर जाती थी, वो मेरे घर आती थी, ठीक है, हम बहुत मज़े करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टीना जो थी हम फिफ्थ हो गई, तो वो स्कूल था सिर्फ फिफ्थ तक, ठीक है। तो हम लोगों ने, उसने मतलब मुझे बोला कि प्लीज़ इस स्कूल में आ, #school, ठीक है। तो मैंने घर पे बात की कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड यहीं जा रही है, टीना भी यहीं जा रही है, तो मेरे को भी यहीं जाना है, तो ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला, तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है तू चली जा, चली जा, तेरे को जहाँ जाना है। मम्मी ने पापा से बात की, फिर जहाँ टीना गई मैं भी वहीं गई, तो वो एक महीने लेट एडमिशन हुई उसकी, मैं चली गई थी, ठीक है। तो वहाँ मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड बनी, उसका नाम रख देते हैं शीना, ठीक है, वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी, ठीक है, और वो मेरे को बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी अपना, बहुत ज़्यादा। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। और फिर एक महीने के बाद वो आई टीना कॉलेज, मतलब स्कूल, तो उसने, उसका उस टाइम वहाँ कोई फ्रेंड नहीं था मेरे अलावा, और मैं उसके चक्कर में वहाँ आई थी, ठीक है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो वो दोनों लड़ते थे, कौन, शीना और टीना, एक दूसरे से लड़ते थे मेरे लिए, और कि ये मेरे साथ बैठेगी, ये मेरे साथ रहेगी, ऐसे वैसे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो जो शीना थी ना, उसने मेरे को छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि मेरे में एटीट्यूड आ गया है, जो कि नहीं आया था, पर मेरे को ऐसे, मतलब उसने छोड़ दिया कि चल तू ही रख ले ऐसे करके। तो उसने, और उसके बाद क्या हुआ कि जो टीना थी उसके ना नए दोस्त बनने लगे, ठीक है, कूल कूल फ्रेंड्स, मैं कूल नहीं थी, सीधी सी जो बात। और मतलब वहाँ से शुरू हुआ मेरा, मतलब ब्रेकडाउन। मैं उसको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त मानती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर मैं किसी के साथ दोस्ती कर रही हूँ ना, तो मैं कभी फेक नहीं रहती, ठीक है, मैं कभी उसका यूज़ नहीं करती। दुनिया बहुत मतलबी है, और मतलब बहुत ज़्यादा फेक है, ठीक है। तो मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, बट उसके सो कॉल्ड कूल फ्रेंड्स बनने लगे, वो कूल कूल लोगों के साथ रहने लगी, जो हमारे क्लास में कूल कूल लड़कियाँ थी, ठीक है, और वो उनकी दोस्त बन गई, ठीक है। तो उसने मेरे साथ ना कट ऑफ करना शुरू कर दिया कि नहीं, वो सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए यूज़ करती थी, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैं यूज़ हो जाती थी, ठीक है, मैं बहुत यूज़ हुई हूँ, मतलब वो उसके साथ जहाँ पे कोई नहीं चल रहा होता था ना, फिर वो मेरे पास आती थी, मैं वहाँ चले मेरे साथ वॉशरूम चले, मेरे साथ वो करी, और मैं चली जाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं उसको अच्छा दोस्त मानती थी। उसके बाद मुझे रोना रुको, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर हम दोनों की, मतलब फिर सिक्स क्लास में थी उस टाइम में, ठीक है, फिर मैंने वो छोड़ दिया स्कूल, मतलब सिक्स क्लास के बाद छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था वहाँ, और वैसे भी वहाँ से बच्चे जा ही रहे थे, वहाँ बस फालतू के पैसे खर्च होते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाते थे, प्राइवेट स्कूल था ना, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसको सच में बहुत दिल से अपना दोस्त मानती थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मेरा ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट होती है ये चीज़ें। तो उसके बाद बस मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, ठीक है। जिस बंदी के चक्कर में मैं उस स्कूल में आई थी, तो उसने ऐसा किया तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, ठीक है। मैं DAV जा रही थी न्यू शिमला, पर उसके लिए मैं वहाँ गई थी। तो उसके बाद मैं पोर्टमोर चली गई, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था उधर, क्योंकि वहाँ मेरा सच में कोई फ्रेंड नहीं था जहाँ पे मैं, जिस स्कूल में, तो टीना ने ऐसे से किया, ठीक है। तो मैं चली गई पोर्टमोर, ओके। तो मैंने कोई इतनी खास अपनी दोस्त नहीं बनाई, ठीक है, मतलब कोई नहीं था मेरा इतना कोच किया, बिल्कुल। और मेरी फर्स्ट टाइम था मैं किसी लड़की के साथ लड़ाई, मतलब मैं लड़ती नहीं थी किसी के साथ भी ऐसे, अगर मैं लड़ती थी तो मैं खुद ही रो जाती थी, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लड़ना था, मैं गुस्सा आता तो मेरे को रोना था, ठीक है, ये मेरा एक फैक्ट है। तो हाँ, वहाँ मैं एक लड़की के साथ लड़ी, उसमें मैं रो गई एक्चुअली, तो पर मैं लड़ी, और मैं ऐसे थी, मैं लड़ती नहीं थी, अब तो मैं बहुत लड़ती हूँ। पर हाँ, फिर उसके बाद जिस लड़की से मैं लड़ती ना, उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, उस टाइम नहीं, मैंने काफ़ी टाइम बाद जब मैं कूल हो गई, मतलब मैं कूल हुई, यस, मतलब हाँ, मैं फनी थी, पर सिर्फ उनके साथ जो मेरे दोस्त थे, सिर्फ उनके साथ मैं फनी थी, ठीक है, मैं ऐसे कभी ऐसे, मतलब किसी और से बात नहीं करती थी। तो उस टाइम पे मेरे पता नहीं कौन दोस्त थे, मेरे को याद नहीं साथ में। तो एट्थ में जब मैं गई, तब मेरी एक फ्रेंड बनी, सच हाँ मुझे याद है मेरे दोस्त थे, तो उनका नाम रखते हैं गोपी और प्रज्ञा रखते हैं, ठीक है। तो जो गोपी थी ना, वो बहुत शरीफ थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो प्रज्ञा थी, वो ना शरीफ नहीं थी, वो बनती थी शरीफ, पर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, ठीक है, मुझे बिगड़े हुए दोस्त मिले। तो वो मेरे ना, मैं उनको भी बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, पर मैंने उनको डिच किया, मतलब उसको एक किया, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बिगड़ी हुई थी यार, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, है ना, वो नहीं मैं बताऊँगी, अच्छी बिगड़ी हुई जो प्रज्ञा थी। तो
हम दोनों 2 साल तक साथ रहे, ठीक है। मेरे को बट उसने कभी मेरे को नहीं बिगाड़ा, सीधी सी जो बात भाई, उसने मेरे को कभी कुछ ऐसे बुरा नहीं करवाया जैसे भी वो कुत्ती ना, उसने मुझे कभी नहीं बोला कि तू भी ये कर या तू भी, कभी भी नहीं बोला, ठीक है। बट मेरी मम्मा को ना वो नहीं ठीक करती थी, क्योंकि जितना भी मम्मी ने उसके बारे में सुना था तो मम्मा को नहीं ठीक करती थी, 8th क्लास की बात है, ठीक है। तो मैंने ना धीरे धीरे छोड़ दिया कि नहीं यार, मेरे को भी सुनने को मिला, मेरे को दिखता भी था, और मैंने ना छोड़ दिया कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं, मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि वो ना क्लास में बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, वो मतलब गंदी चीज़ों के लिए दिख रही थी। मैंने ऐसे मैंने उसको छोड़ा नहीं कि हाँ वो गंदी चीज़ों के लिए दिख रही है, पर वो एक एक महीने बंक पे रहती थी, एक एक महीने बहुत होता है, ठीक है। तो मैं ऐसी दोस्त का क्या करूँ जो मेरे साथ ही नहीं रहे, है ना। तो रहती नहीं थी वो, स्कूल ही नहीं आती थी, फिर टांगे बाजू तोड़ के आती थी अपनी स्कूल, मतलब ऐसे ड्रामा। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, मतलब फिर मैंने प्रज्ञा को छोड़ दिया। फिर मेरी फ्रेंड थी हाँ गोपी, वो भी उसके साथ, मतलब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बोलूँगी यार, जब कोई साथ नहीं रहता तो बेस्ट फ्रेंड था, बोलूँ फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो हाँ उन दोनों का साथ रहने ज़्यादा लग गया वो दोनों, और वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी गोपी, मुझसे ज़्यादा शरीफ थी, मैं बहुत शरीफ थी बहुत ज़्यादा, और वो मेरे से एक्सट्रीम लेवल की शरीफ थी। पर वो उसके साथ रही, उसने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी जो वो भी करती थी, ठीक है, नाइट आउट्स सब कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो भी बिगड़ गई, उसने भी फिर एक एक महीना बंक पे रहना, दो दो महीना कुछ ना कुछ बहाना बनाना उसने भी शुरू कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली उसके घर पर तो पता लग गया, ठीक है, पर वो फिर भी नहीं सुधरी। तो मैंने उसके साथ भी खुद ही दूर हो गया। तो उसके बाद बात बनी मेरी एक दोस्त, ठीक है, एक दोस्त बनी, मतलब वो हम ऐसे थोड़े नॉर्मल नॉर्मल दोस्त थे, हम बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, वो है इशिता, ठीक है। हम ऐसे मिले थे, हम बहुत, मतलब ऐसे कुछ था नहीं हम दोनों को कि एक दूसरे को हम पसंद करते या कुछ, बट हम ऐसे ही शायद बेंच पे साथ बैठे, मेरे को नहीं पता हम दोनों कैसे मिले, ना उसको ये चीज़ पता है, पर हम मिल गए, ठीक है। उसके बाद वो थी मेरी 8th में दोस्त, जिसके साथ मैं अभी तक हूँ, ठीक है, अभी तक। फिर ऐसे ऐसे करके 9th में एक और लड़की आई, उसका नाम था रिया, ठीक है। वो, मैं और स्नेहा एक और है, ठीक है, हम चारों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम चारों हर जगह साथ होते थे, हर जगह, ठीक है, मॉल घूमने जाना है तब जाएंगे, ठीक है। हमारा भी एक ग्रुप था, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ओके, ठीक है, सबका ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसे मत देखो मुझे। तो हाँ हमारा ग्रुप भी था, तो हाँ हम अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। फिर हम 2 तक अच्छे दोस्त थे, मगर अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा दोस्ती खराब हुई है, हम इंस्टा पे भी फ्रेंड, बस इतना ही था, हमारी बात नहीं होती, ठीक है, अब हमारी बात नहीं होती। पर मेरी और इशिता की हर दिन बातें करें, और रिया के साथ होती थी, पर पता नहीं उसने खुद ही बात करना छोड़ दिया, मतलब वो बिजी हो गई है, हो जाते हैं लोग बिजी, पर हाँ वो हो गया है। तो पर मैं और इशिता अभी तक कॉन्टैक्ट में है, और हम ढंग से जब मैं शिमला जाती हूँ तो मैं उससे मिलती हूँ, तो मेरे ब्लॉग में देख सकते हो कितना कौन दिखता है। तो ये ऐसा है, तो हाँ ये मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत मज़े किए एक साथ में बहुत ज़्यादा, और अभी भी मेरे ये अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी क्लास में सब मेरे दोस्त थे एक टाइम पे, हाँ जब मैं थोड़ी दिखने लग गई थी ना क्लास में, तो मतलब मैं पढ़ने में कभी अच्छी नहीं थी, सीधी सी जो पढ़ने में कभी अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वैसे बोलूँ तो मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, पर मेरे को पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो हाँ मेरी दोस्ती, मेरी क्लास पूरी दोस्ती, सबको मेरी बातें अच्छी लगती थी, तो सब मेरी बातें सुनने आ जाते थे, दूर दूर से दूर दराज के लोग मेरी बातें सुनने आते थे, मुझे अच्छा लगता था कि हाँ लोग मेरी बातें सुनने आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ सबको मैं फनी लगती थी, मैं कभी ना अकेली नहीं रहती थी, तुम्हें पता मैं कभी अकेली नहीं रही 8th के बाद। 6th में मैं बहुत ज़िंदगी में, मैं 6th क्लास में बहुत अकेली रही, बहुत मैंने अपने को ना बहुत ज़्यादा उस टाइम ऐसे फील किया कि मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई दोस्त नहीं है। मैं इनको पार्ट्स में डालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है कि तुम सब सुनो पता नहीं क्यों, पर तुम्हें भी शायद ठीक लग रहा हो, बट हाँ तुम भी बोल सकते हो मुझे अपने दोस्तों के बारे में, ठीक है। हाँ ऐसा था कि मैं 6th में अकेली रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को रोती थी मैं घर जाके, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, रोती थी कि यार उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, बार बार यही सोचती थी कि उसने ऐसे क्यों किया यार। फिर मैं ना लिखती थी, मैं उस टाइम लिखती थी नोट्स, और एक हरकत उसने ना इतनी बुरी की थी ना, मतलब मैं वो चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, मतलब इतना बुरा लगा था ना मुझे उस चीज़ का। मैंने ना लेटर्स लिखे थे, ठीक है, उसको नहीं दिए थे, पर मैंने लेटर्स लिखे थे ऐसे कि तू चेंज हो गई है वो, मतलब ऐसे करके कुछ बकवास लिखा था, ठीक है। तो अब मैं उसके बारे में सोचती तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि छी यार मैं क्या छपरी थी निब्बी, बट मैं कोई लड़के को थोड़ा लिख रही थी, हाँ पर ऐसा कोई स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैंने डिलीट किया कुछ। तो हाँ उसने ना वो लेटर्स देख लिए मेरे बैग में, ठीक है, उसने मेरे बैग में वो लेटर्स देखे, और उसने इतनी चीप हरकत की, उसने ना वो अपनी जो उसकी सो कॉल्ड कूल बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी उसने वो उनको दिखा दिए, मतलब कभी तो दोस्त थे ही ना बहन, तुझे ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अभी भी हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के, बट अब मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ। फिर उसने ये चीज़ करी टीना ने, टीना
तो मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं रोई बहुत ज़्यादा, पर उसने सॉरी फील नहीं किया। ठीक है, उस टाइम नहीं रोई, घर में रोई, ऐसा किया था उसने। पर छोड़ो, अब मुझे उस बारे में ना कुछ बात नहीं करनी। तो हाँ, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, फिर उसके बाद प्लस टू तक वो मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, प्लस टू में मेरी एक और फ्रेंड बनी। ठीक है, क्योंकि सबकी स्ट्रीम्स अलग थी, हम सबकी स्ट्रीम्स अलग थी। ठीक है, कॉमर्स, आर्ट्स और मेडिकल, तो सब अलग हो गए। तो मेरी मतलब हमारे को ना क्लासेस चेंज करनी पड़ती थी, तो बच्चे नए मिलते रहते थे। तो मेरी एक फ्रेंड और बनी थी प्लस टू, क्योंकि प्लस वन में तो लॉकडाउन था, तो प्लस टू में बनी थी। और प्लस टू में ज़्यादा हम गए नहीं, तो एक मुझे मेरी वाइफ थी मेरी। और उस टाइम तक मैं फेमस थी, मतलब मैं ठीक थी, मतलब मेरे को उस टाइम पे कोई ऐसे अकेला महसूस नहीं होता था। बायो की क्लास में ना एक भी लड़की नंगीन थी मेरी बायो की क्लास में, सारे चेपड़े ऐसे थे, मतलब किताबी कीड़े टाइप। और मैं उनको देख, और मैं तो क्लास में जाती बहुत कम थी, मैं बंक मारती थी क्लास से, क्योंकि मेरे को ना उठ बुलाओ बायो की मैं टीचर अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं नहीं जाती थी क्लास में ना, क्योंकि वो मेरे को बहुत पॉइंट आउट करती थी। उसको मेरे से बहुत वो था, प्रेम बोलता है ना, जिसको मेरे पीछे पड़ी रहती थी और बस मेरी बजाने पर क्यों रहती थी। मैं पीछे बैठी रहूँगी तो मेरे को बोलेगी मैम कम इन फ्रंट, ऐसे उसको बहुत दिक्कत थी मुझसे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, मुझे लिटरली ये नहीं पता था कि बायो का पेपर कब है। तो बायो का पेपर एक महीने के बाद तैयार, मुझे पूछ रही है कि मैं डेट शीट आ गया, बायो का पेपर कब है। मैंने उसको बोल दिया कि बायो का पेपर मेरे को पता था कब है। ठीक है, पर मेरे को ये नहीं पता था कि उसके लिए कितनी छुट्टियाँ हैं। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि अच्छा बायो के पेपर के लिए कितनी छुट्टियाँ हैं। महक यहाँ से मुझे सात 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 सुनाई दे रहा है। वो कुतिया मेरी मदद नहीं कर रही थी, वो कुछ अपने में डिस्कस कर रही थी। अगर भाई तुम्हारे को पता था तो तुम बता सकते थे ना कि हाँ महक सात सात नहीं एक एक एक। और वो साथ साथ बोली, मुझे लगा मेरा 7 दिन की छुट्टी है। और वो हंसने लगी, फिर उसने बोला मैं 1 दिन की छुट्टी है। मैं कहा ठीक है, तो क्या। पर वो इतनी भी बुरी नहीं थी, पर वो ना बहुत अजीब थी, उसको ना बात करने की तमीज़ टाइप नहीं थी उस टीचर को, मतलब बिल्कुल ही नहीं थी। पर फिर मेरी एक दोस्त बनी, उसका नाम था पारुल। ठीक है, अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, वो मुझे अपने दो अच्छे दोस्तों में लेती है और मैं भी उसको अपने अच्छे दोस्तों में लेती हूँ। हमारा बॉन्ड ना बहुत अच्छा बन गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने मेरे को बहुत लड़कियाँ मिली मेरी क्लास में। ठीक है, पर मेरे को ना सारी मतलबी टाइप की लगती थी, पर वो मुझे मतलब ही नहीं लगती थी, वो मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी, लगती है अभी भी। ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। ठीक है, हम एक दूसरे को हर चीज़ शेयर करते थे, हर चीज़। ठीक है, उसने मेरे को हर चीज़ बताई, मैंने भी उसको हर चीज़ बताई। मैं एक तो मैं तो मेरा मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, मेरा सबसे पहले तो कोई सीक्रेट नहीं है, मेरे सारे दोस्तों को मेरी सारी चीज़ें पता होती है, सब कुछ। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, जहाँ मतलब मैं रहती हूँ शिमला में, जहाँ मेरा घर है, ठीक है, वहाँ 6th क्लास से रह रही हूँ मैं। ठीक है, जब मैं 6th क्लास में थी, तो मेरे पड़ोस में ना हम कुछ लोग हैं, ठीक है, जो हम अभी तक साथ हैं, मतलब हर हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वो है हम कौन कौन, देखो एक तो मेरी बहन है, ठीक है, दूसरी हो गई आयुषी जो मेरे से टॉप फ्लोर पे रहती है, और चौथा हो गया अथर, वो तीसरी है। मतलब मैं, हम पहले हम तीन, फिर आयुषी, फिर अथर, मतलब ये हम 4 लोग हैं जो हम हमेशा साथ रहते हैं हर चीज़ में। अगर हम मर रहे हैं ना, हम साथ मरते हैं। ठीक है, हम बहुत मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर इतना है कि हमारे ना पेरेंट्स एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो हमारे को ना एक जगह जहाँ हमने जाना होता है ना, हमारे को कभी मना नहीं करते कि हाँ तुम यहाँ मत जाओ। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, वरना तुम्हारे को दिखाती। ठीक है, और हमारा बॉन्ड ना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। जब सोचो यार, वो इतना छोटा था उस टाइम, मैं 6th में थी, तो सर तो बहुत ज़्यादा छोटा था और आकृति भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। ठीक है, हम बहुत छोटे छोटे थे और हम ना तब से साथ हैं यार, तो हमारी बॉन्डिंग ना बहुत अच्छी। ऐसा नहीं है, मेरे पड़ोस में और भी बच्चे थे, पर मेरी मेमोरी हाथ धो बैठी है। और तो हाँ, हम पड़ोसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत अटैच्ड है। जब मैं अब सबसे पहले मैं ही हमने से अलग हुई हूँ उन लोगों से, मतलब बड़ों साहिब चली गई, अब तो सब बताएंगे, अब तो सब मतलब आयुषी की +2 हो गई और कशिश भी अलग हो गई मेरे बाद, कशिश आ गई देहरादून। ठीक है, आकू अब बचे वहाँ, आकू आयुषी और अथर। तो अब आकृति मतलब आयुषी भी चली जाएगी, उसकी भी +2 हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं चली जाएगी। और फिर बच्चे अथर, अथर और आकू को भी 2 साल है, तो शायद आकू कभी प्लान इधर का बन रहा, बाकी पता नहीं। पर हाँ ऐसा ऐसा है, तो हम लोगों का तो बचपन से ही है, तो उनको तो मैं अपने भाई बहन में ही लेती हूँ, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके साथ मेरा कभी ऐसे नहीं हुआ है कि हाँ हमारी दोस्ती में कभी भी कुछ हुआ होगा। हम लोग सच में हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और भगवान करे कि ऐसा ही रहे। उनको मैं दोस्तों में नहीं लेती, वो मुझे मेरे भाई बहनों में आते हैं। और हाँ, फिर उसके बाद आते हैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, उसके बाद हाँ मैं कॉलेज आ गई, और मेरे रैंडम फ्रेंड्स भी है शायद, पता नहीं होंगे, आई गेस। तो हाँ है शायद, ओके पता नहीं। तो ये चला गया है लंबा, तो मुझे यहीं पे ही बंद करना पड़ेगा।
और तो तुम इतना देखो कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में, तो मैं अगले पार्ट में बताऊंगी और वो कॉलेज पे बनाऊंगी ढंग से व्लॉग, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप तुम लोगों को ये ठीक लगा हो, और बाय गाइस।